दो पक्षों में खुने संघर्ष क्रॉस केस दर्ज, एक पक्ष का आरोप तिहाड़ जेल से छूटकर आया, मांग रहा है रंगदारी के पैसे। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा में रहने वाले एक ही समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। झगड़े की शुरुआत पैसों को लेकर हुई थी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर रंगदारी के पैसे मांगे और ना देने पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया है। इमामबाड़ा में रहने वाले जुबेर खान का आरोप है कि हसीन उर्फ गुड्डा सूटर का भाई जुबेर उर्फ बब्बू खान हाल ही में तिहाड़ जेल से छूटकर आया है। उसके बाद गुड्डा सूटर और जुबेर उर्फ बब्बू खान सोनू खान और उसके पिता हफीज खान ने उसके छोटे भाई आशिफ अहमद के घर से बाहर रंगदारी के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे। जब पैसा देने से मना किया तो सभी ने मिलकर आशिफ अहमद को पीटना शुरू कर दिया था। जब भाई को बचाने का प्रयास किया तो सभी ने तलवार लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे एक अन्य भाई जुनेद ने भी आकर बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में पैसों को लेकर विवाद हुआ था। देहात थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अच्छा, अभी ये क्या कुछ मामला हुआ है आपके साथ में, क्या घटना हुई? मामला ये हुआ है कि ये कुछ उपद्रवी टाइप के लोग यहाँ पे पुरानी डीपी इमामबाड़ा पे रहते हैं। अभी ये 3 दिन पहले एक गुड्डा सूटर का भाई तिहाड़ जेल में छूट गया है और आते ही इनने वसूली चालू कर दी, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000। तो वो मेरे छोटे भाई से 1 लाख रुपये मांग रहे थे, उसके ना देने पर उसने फोन पर कह दी होगी क्या 1 लाख रुपये दूँ, किस बात की 1 लाख रुपये दूँ। तो आके उसके गरीबान पकड़ ली, उससे मारापीटी शुरू कर दी। इतने में ये गया तो इसके साथ भी हाथापाई कर दी। मैं पहुंचा तो वो तीनों चारों, उसका बाप और तीनों चारों मेरे को डंडा और तलवारों से लेके, कितने लोग थे भाई? 4-3 भाई थे वो, गुड्डा सोनू और जुबैर और उसका बाप। किस चीज़? तलवार डंडा लट लोहांगी सब तीन लोग। अच्छा, हाँ वो आदमी एक उसके बाप ने डंडा मारा, इसने तलवार मारी। अच्छा, अभी कहाँ वो लोग? अभी क्या पता भग गए क्या हुआ? पैसे अवैध वसूली लूट खसोट। अभी वो उसमें 200 करोड़ का स्कैम करा, उसके स्कैम में पुलिस लेके गई थी, दिल्ली पुलिस लेके गई थी। किसी का कोई वीडियो रख लिया, किसी की कोई वो रख ली, किसी की कोई ब्लैकमेल, ऐसी ब्लैकमेल करते हैं। उनके खिलाफ थाने में कई केस हैं। आज से 2 साल पहले कमलनाथ जी की जब गवर्नमेंट थी तब इसने एक प्रेग्नेंट महिला के पेट में लात मारी थी, उसका बच्चा खत्म हुआ था, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहता है कि मेरे ऊपर मिगलानी और कमलनाथ का हाथ है। इसके अवैध मकान है, उसमें चार चार इसकी रखेल रहती है और धंधा कराता है। इसका स्मैक का काम है, स्कैम का काम है, 200 करोड़ रुपए का इसका स्कैम का काम। इसका छोटा भाई अभी तिहाड़ जेल से रिकॉर्ड निकलवाओ आप, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कुछ नेता उसको संरक्षण देते हैं। भाई आपका नाम? अगर मेरा नाम जुनैद अफगानी। आप भाई के कौन लगते हैं? मैं बड़े भाई हैं मेरे, मेरे चाचा के लड़के से वसूली कर रहे थे तो आपको भी मारा कर रहे थे? हाँ, मुझको भी मारा, मेरे हाथ में लट मारा, मेरी 3 तोले की चैन छिना के ले गए। अच्छा, इन लोगों का इतना आतंक है मोहल्ले। क्या नाम उनका? हाँ, नाम क्या? एक का नाम है हसीन उर्फ गुड्डा, एक का नाम है जुबैर उर्फ बब्बू, एक का नाम है सोनू और इसका बाप हफीज खान। दादागिरी दिखाते हैं ठेले वाले को, स्कूल बस वाले को, ना जाने कितने लोगों को इनने मारा है। 70 साल की स्कूल बस चच्चा में, ईस्टर्न हाइट्स की स्कूल की बस थी, उसमें चांटे ही चांटे मारे, ना जाने अवंतिका आटो वालों को, उनसे पैसे लेना, इमामबाड़े पे टोटल इनने गुंडागर्दी और गुंडा राज बना रखा है। और इनसे मोहल्ले वाले मना करते हैं, सारा मोहल्ला इनसे प्रताड़ित है। दादागिरी दिखाते हैं, नट चलाते हैं और प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। इसने एसपी राजेश सिंह चंदेल को भी गाली बकी फोन पे, उसका भी सबूत है, उसमें भी इसको अजीब आपको धमकी वगैरह आ रही है। हाँ, अभी एप्पल भाई के फोन पे लगा के इसने गाली बोला, गाली पकड़ा यहीं देहात थाने में। एसपी राजेश सिंह चंदेल जी को इनने गाली बकी थी, तब भी मिगलानी और कमलनाथ और इधर उधर से ये फोन लगवा लुगबू के बच गया। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके अतिक्रमण पूरी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलना चाहिए, हमारी मांग है। नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे और देहात थाने में धरना देकर रहेंगे।